अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूँ और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फर्ज पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूँ भाई, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मजहब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। अब मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है, LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश है, हमारे परिवार भी खुश है, माशाल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते। और इसके बाद उस लड़के को डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी आसानियां करे और बरोज़े कयामत खुदाए बुजुर्गो बरतर अब्दी जिंदगी में तुम्हें एक ऐसा महल अता करे जिसके अंदर तुम सारी जिंदगी बसर कर सको। ये दुनिया की जिंदगी बहुत आरजी है। इस लड़के को घर से बेदखल कर दिया गया, लेकिन घर से बेदखल होने के बावजूद इसने राह हक को नहीं छोड़ा। हिंदुइज्म से इसने मुसलमान होने को तरजीह दी और अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम पढ़कर इसने दीन इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। जैसे ये दीन में दाखिल हुआ तो डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कुरान पाक के अंदर फिरौन की बीवी आसिया के बारे में ये इरशाद फरमा दिया कि आसिया ने अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज किया था कि ऐ खुदा, मुझसे इस दुनिया की तमाम नेमतें ले ले, इस दुनिया के अंदर मिलने वाली तमाम जितनी मुझे बरकतें रहमतें अता की गई हैं वो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन मुझे बरोज़े क़यामत तू एक ऐसा घर अता फरमाना जन्नतुल फिरदौस में, जिस घर के अंदर मैं रह सकूं, तेरी सना कर सकूं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हज़रत आसिया पर अपना करम किया और फिरौन का वो घर जो कि इस दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान था और उसके घर के अंदर जो है वो बच्चे की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला ने करवा दी, जिससे जाहिर होता है, पता चलता है कि खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात से बड़ी ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा तदबीर करने वाला इस दुनिया में और कौन होगा, बल्कि दोनों जहानों में कौन होगा, सारी कायनात में कौन होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी उस शख्स से कहा, उस लड़के से कहा जो कि बिल्कुल अभी मुसलमान हुआ है, नॉन मुस्लिम हुआ था, कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करें, बस एक चीज़ याद रखें कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, यानी एक दुआ कुरान पाक में दी गई है कि ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों और बरकतों से सरफराज फरमा। तो ये दुआ मांगते रहिएगा, मेहनत कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब खुदाए बुजुर्गो बरतर आपके काम में बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। दोस्तों, आपने तारीख में ऐसे कितने ही वाक़यात देखे होंगे कि बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पर लोग दीन इस्लाम कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिख घराना हो, वो हिंदू घराना हो, पारसी हो, ईसाई हो, कई दफ़ा घरों से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के मामलात के अंदर अगर आप गौर करें तो वो लोग जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात उनके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमा देता है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक की जो सेक्रेटरी थे, जो कि स्टेज चला रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि खातिन की तरफ से अगर कोई औरत सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकती है। एक खातून खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उसने जैसे ही अल्फाज कहे, पूरे क्राउड ने, पूरे हुजूम ने तालियां बजानी शुरू कर दी।
जैसे ही वहाँ पे मौजूद हाजरी ने तालियां बजाई, डॉक्टर जाकिर नायक ने बिल्कुल स्पार्ट लहजे में उस औरत से पूछा कि मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या आप दिल से दीन इस्लाम कबूल करती हैं। उस औरत ने कहा, जी हाँ, मैं दिल से दीन इस्लाम कबूल करती हूँ। डॉक्टर साहब ने दूसरा सवाल किया कि क्या आप पर किसी किस्म का कोई जोर, ज़बरदस्ती, रोब या दबदबा या आपके ऊपर किसी की जानिब से जानी, माली या किसी भी दूसरे तरीके का दबाव अगर है तो वो भी बताइए। उस औरत ने कहा कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, फिर मुझे ये बताइए कि क्या आप अल्लाह तबारक व तआला को माबूद बरहक मानती हैं, आप एक अल्लाह पर जो है वो यकीन रखती हैं। तो उस औरत ने कहा, हाँ, मैं एक खुदा पर यकीन रखती हूँ। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर नायक ने उस औरत को कहा कि मेरे पीछे पीछे पढ़िए, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं इस चीज की गवाही देती हूँ और नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। दोस्तों, जब उसने ये कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक तआला के फजल से, अल्लाह के हुक्म से वो औरत दार इस्लाम में दाखिल हो गई। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस औरत से कहा कि आप दीन इस्लाम ले आई हैं, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ मेरे क्राउड में जितनी मुसलमान बहनें और भाई मौजूद हैं कि अगर आप दीन हक पर यकीन रखते हैं, आप दीन हक पर ईमान लाते हैं, तो इसके लिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों के सामने जो है वो आकर तो इसका इकरार करें, या आप एक बड़े मजमे के अंदर आकर इसका इजहार करेंगे या इकरार करेंगे तो आप मुसलमान होंगे। आप एक कमरे के अंदर अगर मौजूद हैं और वहाँ पर रहते हुए आप दीन इस्लाम कबूल करते हैं तो भी आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के लिए कोई गवाही नहीं चाहिए आपको। लेकिन ये बात है कि मुंबई जैसे शहर में भारत के अंदर रहते हुए आप दीन इस्लाम कबूल करते हैं इतने बड़े मजमे के सामने, तो मैं आपकी हिम्मत को और आपकी सआदत को जो है वो सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। रिलीजन 72 की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।